पूर्व अध्याय के अंत में कहा गया था, भगवान ने श्रुतदेव को और मिथिलेश दोनों को सन्मार्ग को उपदेश दे करके वापस द्वार करा दिया। यहां पर सुखदेव महाराज ने एक बीज बो दिया है प्रश्न के लिए। सन्मार्ग शब्द का अर्थ क्या, सन्मार्ग शब्द का अर्थ क्या है? वहां अर्थ बहुत ही विलक्षण है। दुनिया में प्रसिद्ध है सन्मार्ग माने जो है अच्छे रास्ते चलना, अच्छा आदमी बन के रहना, यह अर्थ लिया जाता है। लेकिन यहां पर अर्थ में नहीं है, शब्द बहुत तरह से पूर्ण प्रयोग किया गया था सन्मार्गम। सत माने ब्रह्म, सत माने ब्रह्म आत्मा, उसी को बताने का मार्ग को कहते सन्मार्ग। सत हो गया ब्रह्म, सताम मार्ग इति सताम ने स्वतः प्रमाण भूताना, जो स्वतः प्रमाण भूता है चतुर्वेद, चारों वेद अपौरुषेय होने के नाते स्वतः प्रमाण है। अन्य समस्त प्रमाणों के लिए प्रामाण्यता सिद्ध करनी पड़ती है, यह प्रामाणिक है, इसके लिए आपको कुछ न युक्ति तर्क वगैरह देना पड़ता है। लेकिन वेद की यथार्थता, वेद की प्रामाण्यता के लिए कोई अन्य प्रमाण या कोई अन्य तौर तरीके तर्क आदि की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाणानाम अपौरुषेयत्वादेव स्वतः प्रमाणानाम अप्रामाण्य कारण रहितानाम, कि अप्रामाण्यता का कारण क्या है? अप्रामाण्यता किसी वस्तु में आवे इस कारण क्या है? सांख्य कर कर गिना दिए हैं, ये प्रकर्षात, अति सन्निकर्षात है ना, अति दूरात, अति सामीप्यात, अति सन्निकर्षात, एक ही बात है। तो नौ हेतुओं को उन्होंने गिनाया, ये दोष का कारण होते हैं। अप्रामाण्यता के कारण में ये सब है, इंद्रियों में दोष है, सूर्य था अथाड़ी जैसे दिख रहा है, दूरस्तत्व व्यवधान प्रकर्षात भी बोलते हैं उसको, दीवार के बाहर कौन बैठा है पता नहीं आपको, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म के परमाणु वाली का होता नहीं, अति सन्निकर्ष आप अपने आंख को देखते नहीं, आंख में जो अंजन वगैरह लगा दो, अंजना वगैरह कहां दिखाई देता है उसको अपने आंखों को, अति सन्निकर्षात भी नहीं होता। ये सब अनेक हेतु है जो कि आपके अपने ज्ञान में प्रामाण्यता का बाधक हो। लेकिन वेद के मंत्र जन ज्ञान के में अप्रामाण्यता का कोई कारण नहीं रह गया, क्योंकि वहां पुरुष का काम ही नहीं, जहां पुरुष है वहां पर सारे दोष आ जाएंगे। पुरुष के द्वारा कोई ज्ञान पैदा कर लिया जाता इंद्रियों से, तो वहां पर इन दोषों में से कोई ना कोई दोष जरूर रहता है, तो उसकी प्रामाण्यता को लाने के लिए आपको अनेक और जाल बिछानी पड़ती। जैसे कोई कह देता है मैंने ये चीज को देखा, तो क्या प्रमाण, तुरंत पूछे क्या प्रमाण, अब जरा और साक्षी लाओ, और साक्षियों की जांच जाएगी, आपस अनेक जब मिल जाएगा बड़ा जाल बनता है, वो जाल में जाकर फंसता, इस तरह से न्याय होता ही नहीं अंत में। कि एक आदमी के कहने पर मानेंगे नहीं, उसे ननु नचक कर देंगे, क्यों? पुरुष हमेशा अप्रामाणिक होता, और वेद जिसलिए अपौरुष ही है, अतः वो अप्रामाण्यता का सकल कारण दोषों से वो रहित है। अप्रामाण्य कारण रहितानाम वेदानाम सताम मार्गम ब्रह्म परतम उद्दिश्य, वेदों का ब्रह्म परत्व ही इनका मार्ग है। मार्ग्यते बोध्यते अनेन इति मार्गः लक्ष्य, वेदों का लक्ष्य जीव ब्रह्म एकत्व का बोध करना, वह जीव ब्रह्म एकत्व का ही बोध कराकर के भगवान चले गए द्वारिका नगर। ये कार्य सन्मार्गम आदिश्य, जीव ब्रह्म एकत्व आदिश्य, जीव ब्रह्म एकत्व को उपदेश दे करके भगवान जो अपने द्वारिका नगरी वापस चले गए। ये पूर्व श्लोक का अर्थ। अब यह शंका होता है, क्या वेद समस्त वेद जीव ब्रह्म एकत्व ही लक्ष्य उसका? वेदों का लक्ष्य जीव ब्रह्म एकत्व हो नहीं सकता, ये परीक्षित का दिमाग है, क्यों? उसका ग्रस्त है, उसे कर्म कांड में आ सकते हैं, इस समय अभी मृत्यु का काल आया हुआ है, श्रवण आदि कर्म करने में लगा हुआ है, कर्मासक्त पुरुष के लिए
जीव ब्रह्म एकत्व स्वीकार कभी नहीं हो सकता। ये ज्ञान निष्ठ पुरुष होता है, जो ज्ञान मार्ग चलने वाला होता है, वही व्यक्ति जो है हमेशा ब्रह्म ज्ञान को मानेगा, जीव ब्रह्म एकत्व को स्वीकार करेगा, अन्य नहीं। इसलिए कहते कि देखो उसको संशय के बीज बो दिया, सकल वेदों का लक्ष्य जीव ब्रह्म एकत्व बोध ही है। ये जो सन्मार्गम आदि बोल रहा था उस पर परीक्षित प्रश्न पूछता है। तत्र वेदानं ब्रह्म परत्वम अघटमानं मनमान पृच्छति परीक्षित वाच। परीक्षित बोलता है ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणे गुण वृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदा सदा परे। कहते कि देखो हे ब्रह्मन् अनिर्देश्य ब्रह्मणि निर्गुणे। ब्रह्म कैसा है? वो अनिर्देश्य है, निर्देश्य नहीं है, शब्दों के द्वारा उसका उपदेश ही नहीं की जा सकती, उसको वेदों ने कैसे प्रकट कर दिया, वेद कैसे बोल पाएंगे उस पर? वेद भी तो शब्द राशि ही तो है। जब किसी भी शब्द के द्वारा उसका निर्देश नहीं हो सकता है तो उसको आप वेदों के द्वारा निर्देश कैसे कह दिए? क्यों? क्योंकि शब्द होते हैं चार ही प्रकार के, चार प्रकार के शब्दों में से किसी भी शब्द के द्वारा आप ब्रह्म का निर्देश नहीं कर सकते। यह आशय है। यद्यपि लक्षणारूपेक है जिसके द्वारा हम कर सकते शब्द की वृत्ति से, उसमें भी जड़ लक्षणा नहीं अजद लक्षणा नहीं, भागत त्यागत जद अजद लक्षणा के द्वारा की जा सकती है, वो तो सिद्धांत पक्ष की बात है। नहीं, यहां अभी पूर्व पक्ष समझना है परीक्षित के दिमाग में, बहुत विस्तृत विवेचन है यहां पर टीका पे, टीका टिप्पण में। इसीलिए ये विचार कर रहे कि शब्द मुख्य रूपेण दो ही भाग कर देता, रूढ़ी और योग दो भाग कर देता, एक रूढ़ी शब्द है और एक यौगिक शब्द है। रूढ़ी शब्द है स्वरूपेण जात्य गुणेन व निर्देशार्थ, स्वरूपेण निर्देश करने योग्य वस्तु, जात्या निर्देश करने योग्य वस्तु, या गुण के द्वारा निर्देश करने योग्य वस्तुओं में संज्ञा और संज्ञी के संबंध को बोध कराने वाले शब्दों का नाम रूढ़ी शब्द होता है। जैसे एक घड़ा है, इसका नाम घड़ा क्यों रखा? पूछ नहीं सकते आप क्यों रखा, रहना अधिकार से चले घड़ा घड़ा बोलते, घड़ा नाम क्यों रखा इसका कोई प्रश्न का जवाब नहीं है। ए फॉर एप्पल क्यों? वो फल का नाम एप्पल क्यों बोला? नहीं, वो फल का नाम एप्पल क्यों बोला? एप्पल बोलो ना, वो नाम क्यों नहीं रखा, कुछ और रखते? नहीं, नाम चले आया, किसने कैसे बोल दिया, चीज मुंह से निकल गया, ये अमुक फल है, इसका नाम ये, और उसने सबको वही पढ़ा दी, इसको ये बोलो, इसको ये बोलो, वो वही चल पड़ा, वही नाम हो गया। जैसे जो पैदा होता है बच्चा, अब क्या करते हैं, इसका नाम ये है, और बच्चे को बार बार पकड़े, ये गौरी हे शंकर हे शंकर, अब बच्चे के दिमाग में भर दिया तू शंकर है, मान लिया मैं शंकर हो गए। जो नाम उसके कान में भरे हो बार बार बोलोगे पकड़ पकड़ करके, और सब उसी नाम से उसको पुकारेंगे, इधर देख किधर देख बोलेंगे उसको उस नाम से, तब वो समझेगा ये मेरे को पुकार रहे, उधर मेरा नाम ये पकड़ लिया। लेकिन आपने उसको नाम रखा क्यों? अब हिंदू लोग इतना ही कहेंगे, ज्यादा तर्क देंगे, ज्योतिष शास्त्र है, अमुक नक्षत्र में पैदा हो गया, अमुक नक्षत्र का नाम क्यों, उस नक्षत्र का वही अक्षर क्यों, एक क्यों का कोई जवाब नहीं मिलेगी अंत में। आपने मेष राशि को अ अक्षर से बोल दिया, क्यों बोला? अरे क्यों, ये क्यों नहीं, लाली लुले लो क्यों, हमने अनुभव किया क्या प्रमाण? बात वही आ गई ना, फिर स्वतः प्रमाण मानना पड़ेगा वेदों में, वेद वेदांग में स्वतः प्रमाण माने बिना काम चलता नहीं। और कोई दूसरा कह देता मेरा अनुभव है लाली लुले लो होनी नहीं चाहिए, मेष राशि को टाटी टूटेटो होनी चाहिए, तब क्या करोगे, उसके अनुभव मानोगे? ऋषि को ठप्पा मार दे पोस्टमार्टर लगा दे मोहर लो उसने, ऋषि के नाम पर सब चल जाता है धंधा। लेकिन इसलिए हम लोगों के हैं कि वेद मान ले, जैसे उनके यहाँ बाइबल है, किसी का कुरान, किसी कुछ है, और जो बोल दिया उसने बोला हिंदू को मार डालो, तो वही उनके महावाक्य हो गया। आज तक भी यही चल रहा है उन लोगों के, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में, जितने भी उग्रवाद अलगाववाद आतंकवाद का कारण ही मुस्लिम और ईसाई, उनके काम है कि किस तरह से तुम उनको मिटाओ और उस देश को अपना पकड़ो, अपना अधीन करो, उस देश को अपने अधीन करो। तो इसी कारण से वो ये सब
चाहे स्कूलों के बहाने, अस्पतालों के बहाने, किसी भी बहाने से प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे उन लोग यही भरते हैं, तुमको यही काम करना है। पहले तो पूरा सुविधा देंगे, अच्छा बातें बताएंगे, फंसा लेंगे, फिर बाद में कहेंगे तुम्हारा काम, एक प्रतिज्ञा तुमने जो किया है, मैं ईसाई बनू हूं तो तुम्हारा काम है कि दूसरे धर्मावलियों को नाश करना। अब एक व्यक्ति ने एक पुस्तक छपाया है, अपने पास आया है, अभी उसको हिंदी अनुवाद करूंगा, सबको दूंगा। उसमें दिया है साफ कि कहां कहां बाइबल में, कहां कहां कुरान में ये बात कही गई है और किस तरीके से वो लोग आज षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए हिंदू साधु सावधान, ये उसमें लिखा है, हिंदू साधु सावधान, तुम लोग बार बार नहीं सब बराबर है, सब आत्मा है ब्रह्म, वो एक व्यवहार अलग चीज है, वो पारमार्थिक है, व्यवहार एक अलग चीज है। या तो उस स्तर में चले जाओ, फिर समाज की बात मत करो, समाज मत देखो, समाज से ऊपर उठ जाओ तो ठीक है, और समाज में रहोगे, समाज का खाओगे और समाज के मार्गदर्शक बन करके समाज को गलत रास्ते पर डालोगे, गलत है, समाज के ठिकाने है ये भगवान का जो शे सर्वान कर्म, विद्वान का कर्तव्य है उसको समझाओ। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा ठीक है तुम बहुत अच्छा काम करो चलो सन्यासी बनो, या नहीं, इस समय अधर्म पर चल रहे हैं, अधर्मी लोग शस्त्रधारी हो रुके हैं, तुम्हारा कर्तव्य है तुम धर्मी हो, तुम शस्त्र का जवाब शस्त्र से दो, तुम शास्त्री बनो, शास्त्री नहीं बनो, हाँ। वेदांत शास्त्री बनने से काम चलेगा नहीं, यहां अब तो शास्त्री बनके तुमको काम करना पड़ेगा, ये भगवान की शिक्षा। और आज के मूढ़ साधु सबको ऐसे सन्यासी बना, सब ब्रह्म, तुम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, अरे किसको कह रहे हो, किसको ये उपदेश दे रहे हो, समझ के देना चाहिए ना। तो सारे लाश नपुंसकता से जो आ गया है हिंदू समाज में, नपुंसकता फैला हुआ है, वो कारण यही है। उनको उपदेश देना चाहिए था, तुम अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें जो विपद उठाए तुम अपने क्षेत्र के अनुसार तुम वो काम करो, वैश्विक अनुसार तुम ये काम करो, वो शिक्षा नहीं दिया गया और सबको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, यही गलत है। ये है ब्रह्म ज्ञान जो दे रहे हैं, कब दे रहे हैं परीक्षित को, मौत के काल में, 7 दिन का नोटिस मिल चुका है, 7वें दिन तेरे को मरना है, मूर्छु दशा में दिया जा रहा है, एक गृहस्थ को मूर्छु दशा में ही वेदांत का अधिकार है, बाकी समय में नहीं, बाकी उसका कर्म और उपासना में उसका अधिकार है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विंदते मानव, वो तो उसका भी ऐसी है ना स्थिति है, व्यक्ति का स्थिति को देखो, अधिकारी को देखो, जनक महान वेदांति था लेकिन फिर भी क्या राज नहीं चलाया, अधिकारी तो देखनी पड़ती है ना, आम जनता उसके अधिकारी नहीं, आम गृहस्थ अधिकारी नहीं, आप एक अपवाद को लेकर सबको लगा दो, ऐसा थोड़े होता है, खुद अपवाद है, भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं, अपवाद भी समझा रहे हैं, सभी इसके योग्य नहीं होते। सुदामा को क्यों नहीं दिया, शुरुदेव को दे दिया वेदांत, सुदामा को तो कुछ नहीं दिया, प्यार दिया, भेज दिया, वेदांत कहां है, शुरुदेव को जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया, हाँ? नहीं, उस स्वयं ही निर्गुण के विचार शुरू से कर दिया, दोनों को दिया ना, बौड़ाशु को भी दिया, दोनों को दिया। उसी बात पर प्रश्न पूछ रहे कि वेद वेदांत का जीव ब्रह्मत्व का वास्तविक बोध करते हैं क्या, उस पर तो चर्चा चल रही है, तो परीक्षित का शंका हुआ क्या वेद जीव ब्रह्मत्व का कथन करता है, हम तो आज ही समझते थे वेद तो केवल कर्म और उपासना बताता है और हम कर्म उपासना में जिंदगी भर लगा दिए थे, इसलिए उसको शंका हो रहा है। इसे साफ बोले ब्रह्मणी अनिर्देश्य, अनिर्देश्य ब्रह्म के बारे में कैसा ये वेद बोल सकता है, सबसे पहला प्रश्न उसका है। अनिर्देश्य कौन होता है, जो रूढ़ी शब्दों के निर्देश करते हैं, किसे, स्वरूपेण वा जात्यवा गुणेन वा, स्वरूप जाति गुण इन तीन तरीके के आधार पर ही स्वरूप के दृष्टांत रखते ना, वैसे कोई कारण नहीं, आप क्यों नाम क्यों रखा पूछ नहीं सकते, स्वरूप है, अमुक स्वरूप वाला का नाम घड़ा, अमुक स्वरूप का नाम सेव, अमुक स्वरूप का नाम ये, आपने तय कर लिया है, बात खत्म, व्यवहार चल रहा है, वहां क्यों का कोई जवाब नहीं। और मनुष्य जाति को लेकर भी हो सकता है,
ये जो मनुष्य है आकार के कारण संयम नहीं दिया, क्योंकि आकार कोई 5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई 3 फुट का, कोई 4 फुट का है, आकार कहां एक है। किसका दाढ़ी तो लाल लाल होता है, किसका काला होता है, किसका कुछ और रंग होते हैं, एक रंग भी नहीं है, बहुरंगी है ये, कोई गोरा है, कोई सांवला है, क्या करोगे। यहां इसलिए कि जाति आपने माना, जिसमें वो चीज दिखाई दे वो मनुष्य, चाहे वो कितना लाल पीला मोटा तकड़ा है, सफेद काला पीला, जैसा भी रहे, उसे कोई लेन देन नहीं हमको, कैसा आकार वाला है, उसके बाल कितने रंग के हैं, क्या है, उसे कोई मतलब नहीं, बस वो जाति उसके अंदर है तो मनुष्य है। यहां पर स्वरूपत नाम नहीं है, और जाति का लक्षण क्या, कौन है मनुष्य, तो क्या चीज है बताएगा, ये चीज जो रहेगा तो उसके अंदर मनुष्य तो मानी जाएगी। इसे मनुष्य रूप ने मृगासन थी, मनुष्य को शरीर मिला है लेकिन पशु से चल रहे, इसे क्यों करे, कि शरीर तो मनुष्य का जैसे दिख रहा है अंदर से मनुष्यत्व नहीं है, पशुत्व। तो इसीलिए ये सारी चीज जाति को लेकर शब्द प्रयोग हुआ, अथवा तीसरा रास्ता है गुण को लेकर शब्द प्रयोग होता है, शुक्ला पटा बोल दिया गुण को लेकर के। इसे स्वरूपेण हो सकता है रूढ़ी शब्दों का प्रयोग, जाति तो रूढ़ी शब्द का प्रयोग होता है, या गुणतः रूढ़ी शब्दों का प्रयोग होता है। और दूसरा कोटि है, और उसी रूढ़ी शब्दों को फिर तीन वृत्तियों में विभाग कर देंगे, लक्षणा गौणी व्यंग्या। अभिधात होती नहीं, क्यों, प्रकृति प्रत्यर्थ कुछ नहीं है, प्रकृति प्रति विभाग और कोई लेन देन नहीं रहता रूढ़ी में। इसे उसकी शब्द का लक्षणा कर सकते हैं, नदी जल प्रवाह स्वरूप को नदी कह दिया, उस नदी शब्द की लक्षणा की जाती है तट, और इसी नदी शब्द का गौणी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सिंघा उसके शब्द माणक में गौणी प्रयोग हो गया, कहीं व्यंग्या है, व्यंग्या तो बहुत ही विचित्र होता है, बोल कुछ रहे हैं अर्थ कुछ और निकलता है उसका, उसका प्रयोग से कैसे कर सकते, पूरे साहित्य में तो यही तो देख रहे हैं आप, कुंडल बोल दिया, कुंडल धारण किए हैं, क्या है वो कुंडल, मकर कुंडलम भगवान के लिए कह दिया आपने, अर्थ किया नहीं, कुंडल शब्द का अर्थ अलग है, कुंडम क्या है, कुंड का अर्थ, कुंडम लाती कुंडलम कुड़ी दाहे, कुड़ी दाहे जैसे से कुंड बना, ज्ञान कौन चलाता है, ज्ञानी अज्ञान को चलाता है, मकर क्या है, अज्ञान स्वरूप, मकर क्या है, अज्ञान स्वरूप, मकर अज्ञान हो गया, अज्ञान को जलाने वाला ज्ञान को लाता है जो उसका नाम मकर कुंडलम व्यंजना है। साहित्य में व्यंग्यावृत्ति ज्यादा प्रयोग होता है साहित्य में, लोक व्यवहार में लक्षणा और गौणी, और आजकल तो लोक व्यवहार में साहित्यिक भाषा में लोग बोलने लग गए हैं, साहित्यिक भाषा में लोग बोल देते हैं, समझने वाला समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, सीधे कहेंगे महाराज आजकल तो बड़ा टिकट के लिए कठिन होता है बुकिंग करना, तो समझ लीजिए इसका मतलब पूछ रहे कब आप जाओगे, सीधा नहीं बोल रहा है, यहां तो व्यंग्यावृत्ति है ना, उसको ना रिजर्वेशन करने से मतलब है ना कुछ मतलब है, ये जानना चाह रहा है कब आप जाओगे। तो साहित्यिक भाषा लोक में भी आजकल प्रचलित हो गया, नहीं तो पहले लोक में साहित्यिक भाषा प्रयोग नहीं होती थी, केवल वेदों में होता था, शास्त्रों में और साहित्य में होता था, लोक में केवल रूढ़ी के द्वारा बोधवान लक्षणा अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति गौणीवृत्ति तीन वृत्ति होते थे, और अब चारों वृत्तियां हर शब्द का लोक में होने लगे। खैर ये तो व्यवस्था हो गया शब्द के, जो रूढ़ी शब्द का उसकी लक्षणा की जा सकती है, लक्षणा क्या है, संकेत अभितार्थ संबंधी निबोध, संकेत द्वारा अभितार्थ वस्तु का संबंधी में बोध कर देना, गंगाया घोषा, और घोष शब्द नदी में असंभव था, उसे संकेत कर दिया नदी शब्द का अर्थ, यहां जल प्रवाह नहीं लेना है किंतु तट को लेना पड़ेगा, ये लक्षणा। और गौणी में क्या है, अभितार्थ लक्षित गुणयुक्त तत्सदृश बोध, अभितार्थ जैसे सिंह है लेकिन वह सिंह उस माणक में असंभव, उसे लक्षित वस्तु कौन है, माणक, उस माणक विद्यमान गुण द्वारा सादृश, गुण क्या है, क्रूरत्व शूरत्व आदि तद्वारा सादृश्य लिख के घटाने का नाम गौणी। ये हो गया व्यंग्या, क्या चर्चा नहीं कर रहे जान के, वो नीचे लेंगे अलग से। तो
उसके लिए श्लोक भी दिया है, अभिधेय अविनाभूत प्रवृत्तिर लक्षणेश्यते लक्ष्यमाण गुणैर योगात् वृत्तेरिष्टात् गौणता। अभिधेय का अविनाभूत प्रवृत्ति को देख करके लक्षणा की जाती है। शब्द की प्रवृत्ति का मतलब क्या, शब्द के अंदर क्रिया कहां से हो सकती है, शब्द जड़ है और कोई चेतन आदमी तो है नहीं उस पर। तो शब्द की प्रवृत्ति का तात्पर्य यही होता है कि बोधानुकूल व्यापार, बोधानुकूल जो व्यापार है शब्द का वही शब्द की प्रवृत्ति है। और उस प्रवृत्ति को लेकर के यह शब्दावली प्रयोग कर दिया, अभिधेय जो वस्तु है, अभिधेय कौन है, घोष, उसका अविनाभूत होकर के शब्द की प्रवृत्ति हो जो हुआ गंगा का, वह गंगा को लक्षणाकरण मजबूर कर दिया। लक्ष्यमाण गुण योगा, लक्ष्यमाण गुण सिंहस्थ जो सूरत कृत गुणों का योग को देखते हुए बालक में जो सिंह शब्द का प्रयोग कर दिया आपने, वही गौणता कहा जाता है, गौणी वृत्ति। और दूसरा प्रकार का शब्द यौगिक शब्द, यौगिक शब्द प्रकृति प्रत्यार्थ भेद को लेकर विचार, प्रकृति प्रत्यार्थ और वह योग, त्रिविध वृत्ति प्रतिपादित पदार्थ यो प्रकृति पदार्थ यो वह योगेन, जैसे पंकज इत्यादि शब्द होते हैं, पंकज पंकज, उसमें फिर विभाजन में करनी पड़ेगी, पंकज पंकज योग रूढ़ होता है, केवल यौगिक, केवल योग, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, तीन भाग करनी पड़ेगी यौगिक में भी। केवल यौगिक है जैसे पाचक लावक है, सब क्या है, केवल यौगिक है। और योग रूढ़ कौन है, अवयव शक्ति का विशिष्ट होकर के समुदाय शक्ति का बोध करना, अवयव शक्ति मात्र अवबोधकत्व यौगिकत्व, अवयव शक्ति सापेक्ष समुदाय शक्ति बोधकत्व योग रूढ़त्व, पंकज जायते इति पंकज, कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ, अवयवार्थ भी इच्छित है और साथ समुदाय अर्थ में रूढ़ कर दिया कमल में ही, यदि कीचड़ में तो घास आदि भी पैदा होते हैं, वो जो पंकज शब्द जिसको योग रूढ़ कहते हैं। तीसरा कोटि में यौगिक रूढ़ आता है, यौगिक रूढ़ में अवय अर्थ निरपेक्ष समुदाय अर्थ रहेगा, दोनों अर्थ स्वतंत्र बोध करा देंगे, जैसे उद्भिद आदि शब्द है, उद्भिदित नहीं नित्य उद्भिद, कुदाल आदि भी हो जाएगा, उद्भिद असोभित उद्भिद वृक्षादि भी हो जाएगा, और संज्ञा में रूढ़ भी है, यज्ञ आदि का नाम ले रहे हैं, लेकिन दोनों अर्थ में कोई सापेक्षता, जब नाम ले रहे हो वह अवयव अर्थ अपेक्षित नहीं है, यज्ञ का नाम उद्भिद है, उस नाम क्यों पड़ा, उसमें यौगिक अर्थ कोई लेन देन, उद्भिद्यते वह अर्थ नहीं घटेगा, यौगिक अर्थ वहां नहीं घटेगा, अवयवार्थ निरपेक्ष समुदाय अर्थ है, और समुदायार्थ निरपेक्ष अवयवार्थ कुदालादी में चला जाएगा, वह केवल अवयवार्थ घट रहा है और रूढ़ से कोई लेन देन, उसको यौगिक रूढ़ कहते हैं। इसे योग शब्द का भी तीन प्रकार का हो गया, योग शब्दों का मैंने रूढ़ी और योग दो भाग किया, रूढ़ में आपने तीन किया था, लक्षणा वृत्ति गौणी वृत्ति व्यंग्यावृत्ति से तीन अर्थ हो सकते हैं, और यौगिकों में क्या होता है, अभिधा वृत्ति होती है मुख्य, अभिधा वृत्ति से वस्तु का बोध होता है, फिर उसके लक्षणा गौणी व्यंग्या भी उसके साथ संबंधित हो जाते हैं योगों में, लेकिन उस योग शब्द भी तीन प्रकार का हो गया, यौगिक योग रूढ़ यौगिक रूढ़। इस प्रकार से रूढ़ी शब्द भी तीन प्रकार के प्रवृत्त हुआ, योग शब्द भी तीन प्रकार का हो तो प्रत्येक में चार प्रकार से प्रवृत्ति हो जाएगी, इस प्रकार शब्दों का जाल प्रवृत्ति का जाल बन गया, ज्ञान का कराने का उनका अपना स्वरूप अलग अलग होते गया। ऐसी स्थिति में इन्हें सब बोध किसको कराने, सगुण साकार सक्रिय सावय पदार्थों का ही बोध कराते, निरव निर्गुण निराकार निष्क्रिय पदार्थ बोध नहीं करा सकते, और ये ब्रह्म कैसा है, निर्गुण ही, वो क्यों अनिर्देश है, इसमें हेतु दे रहा है, क्योंकि वो निर्गुण है, और जितने भी सावयवत्व साकारत्व सक्रियत्व इत्यादि है ये सब गुणाधीन है, सत्र स्तंभ भी गुणाधीन है, और जब गुणों का वहां प्रभाव ही नहीं है, गुण गुण रहित अवस्था है, वहां शब्द का प्रयोग अपने कैसे कर दिया, और शब्दों से ब्रह्म का बोध कैसे करा सकते हो, निर्गुणे अनिर्देशे ब्रह्मणि गुणवृत्त कथम चरंती, गुण में ही सदा शब्द की प्रवृत्ति होती, गुण में मैंने सत्वरजस्तम गुणात्मक इस जगत में ही
जगत विषयक पदार्थों में ही केवल शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है, जो वह शब्द की प्रवृत्तियां ऐसे ब्रह्म में कैसे हो गई, ये पूछ रहा है। गुणवृत्तयः श्रुतयः कथम चरंदी अनिर्देशीय निर्गुणे साक्षात सदसद परे, और विशेषण ब्रह्मणी का सत और असत सकल विभाग से पर है जो, उस ब्रह्म में शब्दों की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, क्यों ही पूछ रहा है। तथा ब्रह्मणी रूढ़ी वृत्ति न संभवती, रूढ़ी वृत्ति नहीं हो सकती, वो साक्षात है, वहां कोई गुण नहीं कुछ नहीं, तो रूढ़ी कैसे प्रयोग करोगे। आप कोई भी संज्ञा कहीं रूढ़ी में रखना भी चाहते हो, वहां कुछ गुण उसको मान लेते हो और कति इस नाम से अमुक वस्तु का बोध होगा जिनका ये गुण होगा। जैसे सेब फल तुरंत दिमाग में आता है, फल है कि नहीं है कट से, और जो गुण भी दिमाग में आ गया वो मीठा होगा, कोई ये नहीं कहता है सेब खट्टा वाला होता है, वो कहते सेब नहीं है मीठा होता है। आम कहते मालूम क्या होता है, कड़वा नहीं खट बोलोगे है आम कहीं कड़वा होता, दिमाग में उसके स्वरूप खट्टी दिमाग में आ जाती शब्द सुनते ही बराबर। ये जो विशेषता है रूढ़ी शब्दों का, वो ब्रह्म में कैसे जाएगा कि ब्रह्म न खट्टा है न मीठा है न कड़वा है न मीठ न सुगंध है न दुर्गंध है, वहां पर कोई क्रिया नहीं कुछ नहीं ब्रह्म। सुना आपने शब्द क्या समझ में आई, क्या आप सामने उपस्थित हो रहा है कुछ भी नहीं। उसी परिवचन आत्मा, अरे आत्मा से क्या क्या है वो कुछ नहीं क्या करें, ऐसा कोई चीज उपस्थिति नहीं हो सकती ना, इसलिए साक्षात है वहां रूढ़ी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। तो चलो योगी का दी ले लो, कहते नहीं सद सद परे, सद और असद से परे है। अनिर्देशत्व अपि हेतु मरण वदन गुणवृत्ति निराकर निर्गुण गुणवृत्तया गुणैर वर्तमान अपि निर्गुण कथन चरंति इत्यर्थः, ठीक है। तो फिर वदन लक्षणां योगंच निराकरण, इसे वहां जब रूढ़ी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो लक्षणा भी नहीं कर सकते आप, गौणी भी नहीं प्रयोग कर सकते आप, व्यंग्या भी प्रयोग नहीं कर सकते, यौगिक शब्द भी प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि यौगिक केवल प्रकृति प्रत्यार्थ को घटाना पड़ेगा, वहां कोई अर्थ ही नहीं है जिसका, उसके प्रकृति प्रत्यार्थ कहां से जाएगा। इसलिए कहते हैं सदसह परे थी, मैंने कार्य कारण भाव से जो परे, कार्य कारण अभ्याम परस्मिन अंगे केनच असंगे केनचिदपि संबंध भावात न लक्षणा योग वृत्ति संभवत इत्यर्थः, एवं पदार्थत्व योगात अपदार्थस्य च वाक्यार्थत्व योगात न श्रुति गोचरत्वं ब्रह्मणिति विप्रायः। इसलिए किसी पद का वो अर्थ नहीं है, जो पदार्थ नहीं है वो वाक्यार्थ कोटि में नहीं आ सकता, जो वाक्यार्थ में नहीं है वो श्रुति का विषय नहीं हो सकता। अतः पूछता है आप भगवान ने जो है श्रुतियों के मार्ग को लेकर के कैसे अद्वैत का बोध करा दिया। श्री शुक उवाच, सुखदेव महाराज जवाब कहते देखो भाई सब कुछ संभव है तो अनिर्देश निर्गुण निराकार निष्क्रिय निरवय सहष्फल सब कुछ, फिर भी वहां शब्द प्रयोग हो सकता है, कहते ये कैसा बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जननाम असृजत प्रभु मात्रार्तंच भवार्तंच आत्मनीय कल्पनाय च। ये सब वेद स्तुति, वेदों ने भगवान को संसार का निर्माण जगाते हैं, सुप्रभात गा रहे हैं। वेद स्तुति क्या है, भगवान की सुप्रभात गाना, सृष्टि बनाने के लिए सबसे पहले जब भगवान सोए रहते हैं सोते सोते में धीरे धीरे वो बहिर्मुखता आ जाती है जीव कर्म के कारण से, तो सबसे पहले श्वास नहीं होता है, जब श्वास निकलने लगता है तो निश्वसित होता है ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद वगैरह, वो वेद समूर्त धारण करके भगवान की स्तुति करते हैं, उस वेद स्तुति के लिए ही ये अवतरण। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पूरी की पूरी भागवत है। अरे इनका नहीं, ये तो पैदा नहीं हुए अभी, कहाँ है तो बहुत बाद में आने वाले हैं, अभी पैदा नहीं हुए ना होंगे, हुए कहाँ, वास्तव हुए ही नहीं है, अरे होंगे तो देखी जाएगी है ना। लेकिन अभी स्थिति जो वर्णन किया जा रहा है उस ब्रह्म की स्थिति का चर्चा चल रही है जिस ब्रह्म से भी कुछ भी प्रकट नहीं, उस ब्रह्म का निर्देश वेद कैसे कर सकते हैं ये पूछा जा रहा। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु
मात्रार्थञ्च भवार्थञ्च आत्मनीय कल्पनाय च। बुद्धियादि उपाधियों को जनानाम मने अनुषयीनाम जीवानाम मात्राद्यर्थम प्रभुहो मने ईश्वरो असृजत। ईश्वर ने इन जीवों के लायक जितने उपाधियां हैं पहले उन उपाधियों को बना लिया। जैसे बच्चा पैदा हो या न हो, बाद भगवान ही जाने क्या पैदा होगा नहीं होगा, पैदा होने जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा क्या मालूम, लेकिन पहले से तैयारी करते कि नहीं करते हैं, है? बच्चे का स्वेटर भी बनाने लग जाते हैं, कपड़े भी बना लेते हैं, उसे क्या नाम देना वो भी पति पत्नी विचार कर लेते हैं, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे हम, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे, सारी पहले से चलती रहती है। पैदा होने से पहले उसकी सारी उपाधियां रेडी हो रहे हैं, उसके बिस्तर तैयार हो रहा है, सारी चीजें तैयार करते रहते हैं। वो सब के उपाधियां तो है, एक तरह से उत्पन्न हुआ नहीं, उपाधियां पहले तैयार हो जाती है, और बाद में उस उपाधियों के उसका संबंध हो जाता है, बस इतना ही तो है। स्थूल दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए, केवल यहाँ कोई ऐसा चीज जीव को स्थूल वस्तु नहीं जो पैदा हो रहा है, अनुप्रवेश है। भगवान तो उसके माँ इस दुनिया में दूध दे देता है, वो तो है ही है, वो तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं, हम तो उसे पहले पैदा होने से पहले की बात कर रहे हैं, पहले दूध नहीं आता, यही तो विचित्रता है, पहले नहीं होता है, पैदा होने के बाद ही होता है। पैदा होके जैसे तो बच्चा मर जाए तुरंत दूध सूखने लग जाता, जहां उसे काने पड़ जाए तेरा बच्चा मर गया, उस तन में दूध तुरंत लोप होने लगता है, वो तो उसी समय की बात है, ये विचित्रता है। इसलिए कहते देखो जनानाम ने जीवानाम मात्र आदि के लिए ही यह प्रभु जो ईश्वर ने क्या किया, बुद्धि आदि उपाधियों को जन्म दिया, सृष्टि किया। मात्रार्थम भावार्थम का मतलब मियंदिति मात्रा विषया तदर्थम भवार्थम भवो जन्म लक्षण कर्म जन्म रूपी क्रिया, और जन्म कहने से सारी चीज आ गई है ना, जायते बाग अस्थि है, वर्धते है, विपरिणमते है, क्षीय अपक्षीयते है, विनश्यति हो, सारी आनी है। इसलिए कहते कि भाई कर्म करण आद्यर्थम इत्यर्थ भवार्थम से आत्मने लोकांतर गामिने, इसलिए प्रभु ईश्वर ने क्या किया, आत्मा के लिए बनाया, आत्मा के लिए मैंने जीवात्मा, लोक लोकांतर गमन की छुक उसके लिए बनाया है, तो लोक भोगाई करता। लेकिन वास्तव में जीव क्या है, कोई वस्तु ऐसा आने जाने वाला, कहते नहीं अकल्पनाय, कल्पना का निवृत्ति के लिए ही किया है। ये जो जीव ब्रह्म भेद की कल्पना है, अविद्या की कल्पना है, जगत में सुख दुख का अनुभव जो हो रहा है, ये सब कल्पना है, इन कल्पनाओं का निवृत्ति मुक्ति के लिए दो काम के लिए किया है भगवान ने इस चीज को। एक तो लोकांतर गमन करने के लिए, अपना कर्मफल का भोग करने के लिए बनाया सृष्टि को, जीव अपने कर्मफल भोग करें अतएव बनाया है, और जो कर्मफल भोग करना नहीं चाहता उसे विरक्त हो जाता है, उसके लिए मुक्ति के लिए भगवान ने सृष्टि को बनाया। मुख्य लक्ष्य मुक्ति, अकल्पनाय च उन्हें मुक्त ये इत्यर्थ। यह इसका अभिप्राय है भाई, सगुणम एव गुणैर अनभिभूतम सर्वज्ञम सर्वशक्तिम सर्वेश्वरम सर्वनियंतारम सर्वोपास्यम सर्वकर फल प्रदातारम समस्त कल्याण गुण निलयम सच्चिदानंदम भगवंतं श्रुति प्रतिपादयन्ति। श्रुतियां जो प्रतिपादन करती है, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती है, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करती है। ये विचार शुरू है, अभी तो बात चलेगी ना। सगुणमेव गुणैर अनभिभूतम, गुणों के द्वारा अनभिभूत सर्वज्ञम, गुणों के द्वारा अनभिभूत है किंतु वो सगुण है, अतएव सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्व का नियंता है, सबके द्वारा उपास्य है, सकल कर्मों के जीवों के कर्मफल के प्रदाता है, समस्त कल्याण गुण का कल्याणमय गुणों का राशि रूपा है, सच्चिदानंद भगवान है। ऐसे श्रुतियां प्रतिपादन करती, यह सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमयं दवः सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यां द्रव्यमयति सो अकामित भूस्यां प्रजाये स्वेच्छत तेजो सृजत
सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म इत्यादि सब सगुण साकार ब्रह्म की चर्चा करते हैं, कोई श्रुति निर्गुण का कथन करते नहीं है इत्यादि। तथा भूतेश्वर दाम तावत संसारिण जीव से तो निवृत्त है तत्व से इत्यादि वाक्या बोधयन्ति। आज्ञा, लेकिन इन सब वाक्यों के साथ साथ तादृश ईश्वर जीव जीव बुद्धि भेद को लेकर के सगुण जो व्यवस्था है वो सगुण व्यवस्था कल्पित व्यवस्था है, यह बात का निश्चय इन्हीं प्रकरणों में क्या किया, तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि अभेद वाक्यों का प्रयोग किया, वहां जाकर के अभेद वाक्य, वह अभेद वाक्य ब्रह्म सत्यता का बोध कराते हैं, जगत की मिथ्यात्व का बोध कराते हैं, जीव की मिथ्यात्व का बोध करा देते हैं, औपाधिकत्व जीव का मिथ्यात्व का बोध। तत्त्वम् पदाय सामानादिगृह्यम् प्रतीयते तच्च प्रकारांतरेण अघटमानम् ब्रह्मणि परिवसान भवति। वह किसी प्रकार से आप विचार करके देख के उसको घटाने का प्रयास कीजिएगा, आप उसको घटा नहीं सकते इन शब्दों को। तत्त्वम् अस्मि अहम् ब्रह्म अस्मि, ये जो समानादिगृह्यम् प्रयोग हो रखे प्रज्ञानम् आनंदम् ब्रह्म विज्ञानम् ब्रह्म, ये सब जो प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म जो शब्दावली है जो समानाधिकरण प्रयोग हुआ है, इन समानाधिकरण प्रयोगों को आप अन्यार्थक नहीं ले जा सकते, ब्रह्म पर ही लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों? तथा ही तावत समझाते हैं। वैश्वी वामिक्षा इत्यादि के समान मान लिया जाए इन शब्दों को। वैश्वी वामिक्षा में क्या हो रहा है, तेज प्रत्यय आया, सा से देवता प्रत्यय, आमिक्षा देवता से थी, आमिक्षा शब्द के द्वारा विष्णु देवता का बोध करा दिया, वाजिब्यो वाजिनम ऐसे शब्द आया, वहां वाजी द्रव्य है, उस द्रव्य के द्वारा उसे तेज प्रत्यय जो आया वह देवता का विवाचक हो गया, वही द्रव्य देवता का विवाचक बन जाता, उसी प्रक्रिया क्यों ना हो, न तावत वैष्णवी आमिक्षा इतिवत उभयोर एकार्थ अविधान ही ना, दोनों की एकार्थकता का विधान नहीं किया जाए तब भी सामानाधिकरण प्रयोग हो सकता है। जैसे वैष्णवी आमिक्षाम सामानाधिकरण है, वैष्णवी द्वितीय आमिक्षाम भी द्वितीय, दोनों द्वितीया सामानाधिकरण प्रयोग है, इन दोनों का अर्थ भिन्न है, उसी प्रकार से यहां भी क्यों ना हो, तत्त्वार्थम भले सामानाधिकरण प्रयोग है, इन दोनों अलग अलग है, कहते ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर यहां पर अंतर क्या है, वहां तदित प्रत्यय है भेद को पैदा करने वाला, यहाँ कोई तद्धित प्रत्यय हुआ है तत्व में या तत्व में, वह वैश्यो देवी में तद्धित प्रत्यय है, आमिक्षा में भी तद्धित प्रत्यय है, यहाँ कोई तद्धित प्रत्यय है क्या, न होने से ये तो अभेद बोधक हो गया, अतः वो दृष्टांत भंग हो गया। वही करे आमिक्षाम देवता युक्ताम वदत्ये वैश्य तद्धितः आमिक्षा पद सान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम्। आमिक्षा शब्द देवता युक्त कोई कथन करता वदती एव एषत दितः, क्यों आमिक्षा पद सान्निध्या, आमिक्षा भी द्रव्यवाचक पद का सान्निध्यता है, सामने दूसरा शब्द समानाधिकरण कौन है, विश्व देवो देवता अस्यदि देवता का है, किसका, इस आमिक्षा द्रव्य का ऐसा बोल रहा है, अतिव भेद आमिक्षा का और विश्वदेव के साथ, इन यहां भेद करने के लिए कोई तद्धित प्रत्यय आया नहीं, इसे वो दृष्टांत वो सामानाधिकरण का दृष्टांत बना करके भेदित करना चाहो तो यहां नहीं हो सकता वर्तमान प्रकरण में। भिन्नार्थत्व न च अजत स्वार्थ या निरुड़ लक्षण या विशेषण विशेष भाव ने नीलम उत्पन्न मितिवत, जैसे नीलम उत्पल ये प्रयोग होता है, ये भी समानाधिकरण है, लेकिन भिन्न भेद है या नहीं वहां है, तो वैसे यहां भी तत्व से मान लें, वहां कोई तद्धित नहीं है, नीलम उत्पलम में भी कोई तद्धित नहीं है, तत्तर्तम में भी कोई तद्धित नहीं है, इस वजह से तद्धित रहित को पकड़ा, प्रत्यंतर रहित शुद्ध सुबंध को लिया, जैसे तत्तर्तम शुद्ध सुबंध है, उसी प्रकार से उसने क्या लिया, वो दृष्टांत नीलम उत्पलम शुद्ध सुबंध को दृष्टांत लिया। अब क्या करोगे, वो तो क्या किया वहां पर, निरूढ़ा लक्षण है वहां, रूढ़ी शब्द है, अजत स्वार्थ करना पड़ता है, स्वार्थ को त्याग नहीं कर सकते, अजत स्वार्थ लक्षण के द्वारा नील शब्द क्या करता है, कमल का बोधक हो गया, उत्पल का बोधक हो गया, यथा नील का अर्थ नीलम उत्पलम ने नीलवत उत्पलम, नील का नीलवत में लक्षण करनी पड़ती है कि नील गुण है वो उत्पल नहीं हो सकता, वो द्रव्य नहीं हो सकता, नीला रंग कमल हो जाएगा क्या, रंग कभी कमल नहीं हो सकता,
और रंग वाला कमल है, निरूढ़ लक्षण इसको बोलते हैं। रूढ़ी शब्द को निरूढ़ लक्षण कर देनी है अपने द्रव्यवाचक शब्द से, एकल गुण क्रियाओं में ही होता है। इसलिए कहते कि देखो निरूढ़ लक्षण से विशेषण विशेष भाव के द्वारा निरुत्पलम के समान हम यहां विज्ञान करा लेंगे। जैसे कहा भी है स्वबुद्ध्यारज्यते येन विशेषं तद विशेषणम्, अपनी बुद्धि से स्वबुद्ध्या नीलम जो है ना, नील बुद्धि के द्वारा, नील आदि शब्द स्वबुद्धि के द्वारा, स्व आकार ज्ञान के द्वारा करते क्या है तद्वान में लक्षण करा देते हैं। विशेष पर घटाने के लिए तद्वान में अब लक्षण मध्वर्थ लक्षण कहते हैं ना, इसको मध्वर्थ लक्षण करनी पड़ती है। वैसे यहां भी कर लीजिए आप तत्व को तद्वान तुम ऐसा कर दीजिए ना, तत्व के लिए क्या करना तद्वान तुम कर दो। कहते हैं ऐसा नहीं होगा, क्यों ऐसे का कुता विरुद्धार्थत्व तदयोगा, तो वहां तो इसलिए बन गया दो विरुद्धार्थक होते। नील शब्द गुणवाची है, उत्पलम शब्द द्रव्यवाची है, विरुद्धार्थवाचक शब्दों का प्रयोग करने से लक्षण मजबूरी हो गई। मतुर्थ लक्षण या तत्व तम दोनों ही चैतन्य वाचक है, विरुद्धार्थवाची तो है नहीं। तत्व एक चेतनाद ईश्वर है, तुम भी एक चेतन है, दो चेतनों की चर्चा है, यह विरुद्धार्थ है नहीं। यहां अतव्य लक्षण करने की जरूरत नहीं, रूढ़ा लक्षण नहीं होगा। न चाह जहत स्वार्थत्व संबंध लक्षण संबंधी लक्षण या कुसुमित द्रुमा गंगा इति, जैसे कोई प्रयोग कर देता है जत स्वार्थ लक्षण, अजत स्वार्थ नहीं अपूरा स्वार्थ को त्याग करके कि जल है, वो जल वहां कुछ न पेड़ दिख रहा है न लकड़ी दिख रहा है न कुछ भी, सुगंध आ रहा है। कैसे सुगंध आया जल से, सेंट आप लोग प्रयोग करते हैं, कहां से आ रहा है सुगंध, पेड़ लगाया क्या उसमें, गुलाब का सुगंध है, गुलाब फूल है क्या वहां पर, नहीं। तो आपको वहां मानना पड़ता है गुलाब युक्त जल है, भले गुलाब वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं है कभी था, उस गंध उसमें है, अच्छा गुलाब जल में गुलाब का गंध आ रहा है। अब जहा स्वार था ना, वर्तमान में तो है नहीं ना, वो त्यागनी पड़ेगी उसको लक्षणा करने के लिए। उसके लिए दृष्टांत दिया कुसुमित द्रुमा गंगा, कुसुमित द्रुमा पुष्पों से युक्त पौधे से संबद्ध होकर के यह गंगा में सुगंध आया हुआ है। लेकिन वैसा भी नहीं ले सकते आप यहां, क्यों, वहां एकार्थ लक्षित है, एकार्थ तत्व से विवक्षित तत्व, वहां तो एकार्थ था यहां लक्षित है, तत्व मसी में क्या है एकार्थता लक्षित है, वहां एकार्थता लक्षित रही विशिष्टार्थता लक्षित है, या तत् से विशिष्ट तम लक्षित नहीं है, गन से विशिष्ट जल जैसा लक्षित होता है वह तत् से विशिष्ट तम या लक्षित नहीं है, विशिष्टार्थ लक्षित नहीं है एकार्थ लक्षित है, दोनों में लक्ष्यार्थ भिन्न है, अतिव जत स्वार्थ लक्षण भी नहीं हो सकता। फिर क्या करोगे, कहता तो जद अजत स्वार्थ लक्षण या स्वयं देवत्व के समान हम यहां पर तत्व की अभेद सिद्ध कर देंगे। स्वयं तत्व में क्या करना पड़ता है, वही यहां देवदत्त कैसा होगा, वही यहां देवदत्त, अरे वो देवदत्त तो 2003 सन से काल से युक्त वाला था ना, वो मुंबई देश से युक्त था, वो तत्देश तत्कालावच्छिन्न देवदत्त, और आज ऋषिकेश ने 2004 में देख रहे हो तो ऋषिकेश अवच्छिन्न है, 2004 संग कालावच्छिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो फिर भी आप क्या करोगे, तत्काल को तत्देश को ये तत्काल को ये तत्देश को त्याग करके केवल देवदत्त देवदत्त मात्र को पकड़ते हो, तद्वत यहां पर भी तत्व हम क्या करेंगे, मायावचिन चेतन तुम में अविद्यावचिन चेतन है, चैतन्य चेतन को पकड़ो, मायाविद उपाधियों को छोड़ दोगे वह चैतन्य एक है। इस वजह स्वार्था या भागत त्याग लक्षण भी कहते जत जत स्वार्था लक्षण अथ भागत त्याग लक्षण इतिवत विरुद्धांश से त्यागे न अनुगत चिदंश ने एकार्थ्य सामनाधिकरणीय निर्गुण परिवसार, इस प्रकार से समस्त वेद निर्गुण में परिवसित हो जाता है। शुरू होता है कर्म भेद से, उपासना भेद से, उन्हीं भेदों की पराकाष्ठा से सगुण का वर्णन करते हैं, सगुण ईश्वर का ब्रह्म का वर्णन करते हैं, जीव और ईश्वर दो रख देते हैं, फिर उससे आगे बढ़कर दोनों को ऐक्यता का बोध करता है वेद के स्वभाव। अस्तुलादि वाक्यानांतु साक्षात उपाधि निषेधे न पदार्थ शोधने उपयोगात निर्गुण एव, रही बात अस्तुल मनोनित्याय जो वाक्य ना अपूर्व मन बरम अगंध वच्चे इत्यादि बोला गया है,
वो भी निषेध करेंगे नहीं कर रहे, वो निषेध वाक्य भी करते क्या है, साक्षात उपाधियों को निषेध करने के द्वारा तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ बोता जो ऐक्यता है उसको संकेत कर रहे हैं। निर्गुण एव प्रयास पर्यवसानम तथा चात्रैव उपक्रमे स्वसृष्टम इदम आपीय, इसलिए यहां पर भी उपक्रम में आएगी आएगा सारी बातें विस्तार रूपेण। अंते च श्रुतया त्वयि ही फलन्ति अतन्निरसेन भवन निधनाः इति उपसंहरिष्यन्ते। यहां पर स्वयं श्रुतया माने वेद स्तुति में, वेद स्तुति में ये बात आएगा स्वसृष्टम इदम आपीय इत्यादि शुरू करेंगे और वेद स्तुति के समाप्ति में त्वयि फलन्ति अतन्निरसेन भवन निधनाः ऐसे करके उसका व्यवस्था देंगे। शुभदेव महाराज कहते इसीलिए समस्त वेद निर्गुण ब्रह्म का ही बोधक है, अद्वैत का ही बोधक, इसमें कोई संशय नहीं है। भले ही वेद से शुरू हुआ लेकिन उसको लक्षित कहा किया जाता है, लक्षणा से शब्द सभी के सभी अंत में अद्वैत में ही जाते हैं। सही शाही उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजे धृता श्रद्धया धारे ध्यस्ताम क्षेम गच्छेद किंचन। सही शाही उपनिषद ब्राह्मी वह यह जो है ब्रह्म बोध कराने वाली जो है उपनिषद है, पूर्वेशां पूर्वजैरपि धृता पूर्वजों के द्वारा भी इसको धारण किया हुआ है। सही शामितोक्त आलंबना ब्राह्मी ब्रह्मपरा श्रद्धया आदरेण वैतंडिक तर्क अनभिनिवेशेन, तर्क को छोड़ करके इसलिए कहा तर्क्यता इनमा को तर्क्यता तर्क कीजिए लेकिन श्रुति अनुकूल तर्कों से श्रुति प्रतिपादित तत्व समझने का प्रयास कीजिए, उस पर मनन करता हुआ उसे विद्यमान संशय को दूर करने के लिए तर्क का प्रयोग करें, उसको काटने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रद्धया आधारित यह कौन यह का विशेषण अकिंचन, लेकिन जिसको कोई फल की आकांक्षा ही ना हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है क्षेमम गच्छे, वह व्यक्ति ताम वो सब ब्राह्मी विद्या को प्राप्त करके क्षेम को प्राप्त कर सकता है। स किंचनो निरस्त देहाद्युपाधि सन परम पदम प्राप्नुयात इत्यर्थः।